इट इज़ आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एलोट्रॉपी ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर क्लोरीन लाइक दिस. सो दिस टॉपिक्स विल बी वी विल सी दिस टॉपिक्स. एलोट्रॉपी, वट इज़ द मीनिंग ऑफ एलोट्रॉपी? अ सिंगल सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, दैट इज़ नोन एज एलोट्रॉपी. बहुरूपी या उर्दू में कहा जाता है इसको एलोट्रॉपी. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट एलोट्रॉपी. ऑक्सीजन हैज़ टू एलोट्रॉप्स, O2 एंड O3. O2 इट इज़ डाई ऑक्सीजन एंड O3 इट इज़ ओजोन. सल्फर एग्जिस्ट इन द नंबर ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स. रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर आर द इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर. सेलेनियम एग्जिस्ट इन टू एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, रेड विच इज़ नॉन मेटेलिक एंड ग्रे विच इज़ मेटेलिक. टेलुरियम एग्जिस्ट इन टू एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस. पोलोनियम एग्जिस्ट इन टू एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, अल्फा एंड बीटा एंड बोथ आर मेटेलिक. Now these are allotropes of sulfur. It is the S8 ring in rhombic sulfur and it is the chair form of S6. Six sulfur atoms are present. और यहाँ पर जो sulfur के atoms हैं, sulfur shows the wide range of modifications containing 6 to 20 sulfur atoms per ring. यहाँ पे 6 सल्फर एटम्स आर प्रेजेंट. ये चेयर के जैसा दिख रहा है, इसको कहा जाएगा चेयर फॉर्म ऑफ S6. डायमेंशंस आर गिवन हियर. नाउ नेक्स्ट है, दैट इज़ S8 रिंग इन, इट इज़ इन रोम्बिक सल्फर. इट इज़ क्राउन शेप्ड, क्राउन के जैसा ये दिख रहा है S8 रिंग एंड इट इज़ इन द रोम्बिक सल्फर. फिगर ड्रॉ करने के लिए अगर आया, इट इज़ वेरी ईजी. देन दीज आर डिफरेंट एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर. एंड ये जो एलोट्रॉप्स हैं सल्फर के, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर. रोम्बिक सल्फर इज़ ऑल्सो नोन एज अल्फा सल्फर. मोनोक्लिनिक सल्फर इज़ ऑल्सो नोन एज बीटा सल्फर. सो इट इज़ दीज आर द डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स. इट इज़ द वन क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर. दीज आर द डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू कलर, शेप, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ प्रिपेरेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सो एसिड्स. ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर. दीज आर डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स. फर्स्ट इज सल्फ्यूरस एसिड. द फॉर्मूला इज H2SO3. इट इज़ द स्ट्रक्चर. ऑन सल्फर वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. डाई और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7. इट इज़ नोन एज ओलियम H2S2O7. सेवन ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट, टू सल्फर एटम्स आर प्रेजेंट एंड टू हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट. SOS लिंकेज इज प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल. देन नेक्स्ट ऑक्सो एसिड इज पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5. इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8. इट इज़ ऑल्सो नोन एज मार्शल्स एसिड. इन दिस एसिड SOOS लिंकेज इज प्रेजेंट. थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3. In this molecule, S double bond, S bond is present. So, on oxo acids of sulfur, 1, 2, 3, 4 marks के questions बनते हैं. Section A में 1 mark के लिए, section B में 2 mark के लिए, like this. यहाँ पर आपको acid का, oxo acid का नाम, formula और structure. ये आपको, you have to remember all these points. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन्स. हैलोजन्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन. एस्टेटाइन इज़ रेडियो एक्टिव इन नेचर एंड इट्स केमिस्ट्री इज़ वेरी मच लेस नोन. बहुत कम उसकी केमिस्ट्री मालूम है.
सो दीज आर ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन, ये क्लोरीन के हैं यहाँ पे, सॉरी ये फ्लोरीन के ऑक्सो एसिड हैं, एच ओ एफ ये क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स हैं, दीज आर ऑफ ब्रोमीन एंड दीज आर ऑफ आयोडीन एंड दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जो हेलोजन रहेगा उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा इन कंपाउंड्स में प्लस वन, इन कम इसमें हमको मिलेगा प्लस थ्री, यहाँ पे हमको मिलेगा प्लस फाइव और यहाँ पे हमको मिलेगा प्लस सेवन। ये भी एक मार्क का क्वेश्चन बनता है ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, फोर ऑक्सो एसिड है क्लोरीन के, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड फार्मूला इज एच ओ सी एल एंड इट इज़ द स्ट्रक्चर। क्लोरिक एसिड एच सी एल ओ टू, इट इज़ द स्ट्रक्चर। क्लोरिक एसिड एच सी एल ओ थ्री, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरिक एसिड। एंड लास्ट इज पर क्लोरिक एसिड एच सी एल फोर एंड इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पर क्लोरिक एसिड दैट इज एच सी एल ओ फोर। नाउ नेक्स्ट है ऑक्सीजन एंड कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे डाई ऑक्सीजन, उसके बाद हमको देखना रहेगा ओजोन। डाई ऑक्सीजन और ओजोन के बारे में डिटेल में स्टडी दी हुई है। सो फर्स्ट इज प्रिपेरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड इट इज़ द लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपेरेशन। डाई ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट्स सच एज क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स एंड परमैंगनेट्स। सो इट इज़ द पोटेशियम क्लोरेट विच ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 विल प्रोड्यूस O2। देन ये सब ऑक्साइड्स हैं, दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, इनका थर्मल डीकम्पोजिशन होगा एंड वी विल गेट डाई ऑक्सीजन। देन बाय डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इट इज़ द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट MnO2 और फाइनली डिवाइडेड मेटल्स, इट विल गिव डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपेरेशन इट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर H2 इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट एनोड एंड इट इज़ द रिएक्शन। H2 इज लिबरेटेड एट कैथोड, O2 इज लिबरेटेड एट एनोड, सो इट इज़ द सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपेरेशन दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। थर्ड इज इंडस्ट्रियल मेथड, जो इंडस्ट्रियल मेथड है इट इज़ बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। जब लिक्विड एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाएगा देन डाई ऑक्सीजन एंड डाई नाइट्रोजन आर ऑब्टेंड, लिक्विड एयर इज़ ब्लू इन कलर। जो एयर रहेगा पहले उसको लिक्विफाई किया जाएगा फिर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाएगा एंड देयर इज़ लिबरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड डाई नाइट्रोजन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन इज़ कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस, इट इज़ स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर इट मीन्स दैट इट्स सॉल्युबिलिटी इज़ वेरी 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 लेस। फॉर एग्जाम्पल 30.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, ठीक है। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड डाई ऑक्सीजन इज सफिशियंट टू सस्टेन मैरीन एंड एक्वेटिक लाइफ, इट लिक्विफाइज एट 90 केल्विन एंड फ्रीजेस एट 55 केल्विन। ऑक्सीजन हैज़ 3 स्टेबल आइसोटोप्स O16, O17 एंड O18। डाई ऑक्सीजन एग्जिबिट्स पैरामैग्नेटिज्म एंड इट इज़ एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, 11th स्टैंडर्ड में हुआ है। इट इज़ द क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, क्वेश्चन ऐसा बनेगा जिसका आंसर रहेगा पैरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिज्म। ऑक्सीजन इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड इट इज़ एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन होगा तो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन होगा देन ऑल्सो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड, रिएक्शन विथ सम अदर कंपाउंड्स। सम अदर कंपाउंड्स में यहाँ पे लेते हैं हम फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड, ऑन रिएक्शन विथ डाई ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, CH4 ऑन रिएक्शन विथ O2 विल प्रोड्यूस CO2 एंड H2O,
SO2 plus O2 in presence of vanadium pentoxide will produce SO3. HCl on reaction with O2 in presence of CuCl2 will produce Cl2 and H2O. So these are different chemical reactions, chemical properties of dioxygen. These are the uses of dioxygen. Dioxygen is important for respiration to sustain animal and aquatic life. It is used in the manufacturing of steel. It is used in oxyacetylene flame. Oxygen और acetylene का combination रहेगा, उससे हमको flame मिलेगा. And this flame is used for welding and cutting of metals. Oxygen cylinders are widely used in hospitals, high altitude flying and mountaineering. You know very well all these things. It is used in combination of fuels. For example, hydrogen in liquid oxygen provides a tremendous thrust in rockets, provides tremendous amount of energy in rockets. Now, next topic is oxides. What is the meaning of oxide? The binary compound of oxygen with another element is called an oxide. And oxides can be classified into four types: acidic oxide, basic oxide, amphoteric oxide, then neutral oxides. So first is acidic oxide. It is the definition, and these are the examples. These are the examples, and these are the examples with reactions. 2 mark ka question aaya. You have to write definition and reaction, at least 2 reactions. Aur agar 1 mark ke liye aaya, define acidic oxide, then you have to write only definition. An oxide which dissolves in water to give an acid or reacts with a base to give a salt is called acidic oxide. For example, SO2, SO3, CO2, N2O5, Cl2O7. These oxides are acidic oxides. For example, SO2 hai, iska combination H2O ke saath there is formation of sulfurous acid. SO3 hai, iska combination base ke saath there is formation of salt and water. So these oxides are acidic oxides. Next type of oxide is basic oxide. An oxide which dissolves in water to give a base or reacts with an acid to give salt is called a basic oxide. N2O, Na2O, CaO, BaO. Calcium oxide ka combination water ke saath there is formation of calcium hydroxide. Barium oxide ka combination acid ke saath there is formation of salt and water. So these oxides are basic oxides. Third type of oxide is amphoteric oxide. The oxide which reacts with a base as well as with an acid to give salt is called an amphoteric oxide. For example, alumina and zinc oxide. ये alumina है, इसका combination हो रहा है base के साथ, इसका combination हो रहा है acid के साथ. And these are the products. Therefore, this oxide is an example of amphoteric oxide. Next type of oxide is neutral oxide. The oxides which are neither acidic nor basic are called as neutral oxides. These are the examples of neutral oxides. Next compound of oxygen is ozone. Its formula is O3. And ozone is an allotropic form of oxygen. Ab ozone kaise banega? Yahan pe it is the proposed method of preparation. It is suggestion. It is the suggestion, or it is the proposed method of preparation. ये जो reaction है, ये atmosphere में ऐसा होता होगा, ऐसा होता है. क्या है यहाँ पे? Oxygen in the upper atmosphere absorbs energy in the form of ultraviolet light and changes to atomic oxygen, which combines with molecular oxygen to form O3. It is the proposed method of preparation. Okay, क्या होगा यहाँ पे? जो oxygen upper atmosphere में है, it will absorb energy in the form of ultraviolet light and changes to atomic oxygen.
ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है इसका कॉम्बिनेशन होगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ एंड देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ O3 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है प्रिपेरेशन ऑफ ओजोन, ठीक है, ये नेचर में ऐसा रिएक्शन। एंड दिस मेथड ऑफ प्रिपेरेशन इट इज़ द लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपेरेशन। ओजोन इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन इन एन एपरेटस कॉल्ड ओजोनाइजर। इट इज़ एन इंडोथर्मिक प्रोसेस, प्लस साइन इंडिकेट्स द प्रोसेस इज इंडोथर्मिक। फॉर फॉर्मेशन ऑफ O3 दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, सो दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। ओजोन इन गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ये तीनों के कलर्स यहाँ पे दिए हैं। ओजोन हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल व्हेन इनहेल्ड इन कॉन्सेंट्रेशन अबव 100 PPM पार्ट्स पर मिलियन इट कॉजेज नौसिया एंड हेडेक। इट इज़ डाई मैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है डाई ऑक्सीजन इज़ पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसमें हमको देखना है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़, देन ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी लाइक दिस। सो फर्स्ट हियर वी विल कंसिडर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। ओजोन इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज इट ईजीली डीकम्पोजेज टू लिबरेट नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन ये लिबरेट करेगा, देयर फोर इट इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी एक मार्क का क्वेश्चन बनता है, इट इज़ द नेसेंट ऑक्सीजन। ये सब कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इनको ये ऑक्सीडाइज करेगा ओजोन। ओजोन एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों, बिकॉज इट लिबरेट्स नेसेंट ऑक्सीजन एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन कैन ऑक्सीडाइज द अदर कंपाउंड्स एंड दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू लिबरेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है इट डीकलराइजेस द कलर्ड मैटर्स, कलर्ड मैटर प्लस ओ देयर इज़ हमको यहाँ पे मिलेगा कलरलेस मैटर, वी विल ऑब्टेन द कलरलेस मैटर। दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग ऑफ कलर्ड मैटर एंड ओजोन ब्लीचेस इन एब्सेंस ऑफ एयर, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ड्राई ब्लीच। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में ओजोन रिड्यूसेस पर ऑक्साइड्स टू ऑक्साइड्स, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये बेरियम पर ऑक्साइड, इनको रिड्यूस करेगा और यहाँ पे हमको करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स आर ऑप्टेंड। नेक्स्ट है ओजोन डिप्लीशन, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ ओजोन डिप्लीशन। थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन अपर एटमोसफियर इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर जो बारीक होते जा रहा है दैट इज़ नोन एज ओजोन डिप्लीशन। नाउ ओजोन लेयर इन द अपर एटमोसफियर एब्सॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन दस प्रोटेक्टिंग पीपल ऑन द अर्थ। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमोसफियर इज कॉज्ड बाय नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज्ड फ्रॉम एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ कार और सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्रेयॉन्स यूज्ड इन एरोसोल एंड रेफ्रिजरेटर्स एंड देयर सब्सिक्वेंट इस्केप इन द एटमोसफियर। द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हैज़ बीन मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन द पोलर रीजन्स स्पेशली ओवर एंटार्कटिका। ओजोन डिप्लीशन इज अ मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बिकॉज इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट रीचेज अर्थ सर्फेस दस कॉजिंग एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ स्किन कैंसर आई कैटरेक्ट्स एंड जेनेटिक एज वेल एज इम्यून सिस्टम डैमेज अमंग द पीपल। तो ये अगर इसके ऊपर शॉर्ट नोट आई यू हैव टू राइट एनी 4 points, शॉर्ट में भी करके आप पॉइंट्स आप लिखेंगे दैट इज सफिशियंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ओजोन इज एन एंगुलर मॉलिक्यूल, these two are resonating structures and it is the resonance hybrid. These are, it is the bond length OO, OO bond length, it is of the order of 120
PM 120 picometer and this bond angle is of the order of 117 degree. ठीक है, एंड इट इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज टू फॉर्म्स. नेक्स्ट है यूजेस ऑफ ओजोन. दीज आर डिफरेंट यूजेस ऑफ ओजोन. ओजोन इज यूज फॉर एयर प्योरिफिकेशन एट क्राउडेड प्लेसेस लाइक सिनेमा हॉल्स, टनल्स, रेलवेज एक्सेट्रा, इन स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर बाय ऑक्सीडाइजिंग ऑल जर्म्स एंड बैक्टीरिया, फॉर ब्लीचिंग आइवरी ऑयल्स, स्टार्च, वैक्स एंड डेलिकेट फैब्रिक्स सच एज सिल्क, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक कैम्फर, पोटेशियम पर मैगनेट एक्सेट्रा. दीज आर डिफरेंट यूजेज ऑफ ओजोन. फोर पॉइंट्स हैं, दो मार्क का क्वेश्चन ये बनता है. टू मार्क्स के लिए यू हैव टू राइट फोर पॉइंट्स. सो इट इज ऑल अबाउट द एलोट्रॉप्स ऑफ ग्रुप नंबर 16 एंड 17. ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स ऑक्सो एसिड्स एंड द कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज डाई ऑक्सीजन एंड ओजोन. थैंक यू.